आप देखेंगे कि अभी तो झारखंड में 61,000 लोगों को IFR मिला, इंडिविजुअल फॉरेस्ट एक्ट, वो भी कट के मिला। जितना लोग काबिज हैं, कानून बोलता है 10 एकड़, लेकिन उन लोग तो 1 एकड़ तक ही अप्लाई किए, 2 एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़, तो उसको 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 10 डिसमिल, और इसका कारण भी नहीं बताया गया। दूसरे तरफ देखेंगे जो CFR जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एंड रिसोर्स राइट है, एज पर कानून के अनुसार अगर देखेंगे तो मात्र 20 या 22 मिला हुआ है, और बाकी कम्युनिटी राइट मिला है जो थोड़ा सरना स्थल, मसना स्थल, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, खेल का मैदान। कानून का वायलेशन इतने तेज़ी से हो रहा है, अगर आप रिजेक्शन का देखेंगे तो लगभग 28,000 रिजेक्शन हुए हैं, मैंने 27,764 रिजेक्शन हुए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट वार भी हम लोगों ने सब एनालिसिस किया है, और अभी झारखंड में जो भी इतने बड़े रिजेक्शन हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, ये भी नहीं लोग को पता है, ना जानते हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्शन हुआ है। सबसे बड़ा बात ये है। और रिजेक्शन का अगर कारण आप देखेंगे तो सपोर्टिंग कहाँ से लोग देगा, सपोर्टिंग में लोग लोगों को आप खतियान में आदिवासियों को 1952 में डिस्प्लेसमेंट कर दिए, वो जंगल में जाके ज़मीन पे आश्रित हुए, उनके कागज़ वगैरह सब आप ले लिए, अब उन लोग को जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, कहाँ से जाति प्रमाण पत्र लाएगा। OTFD 3 साल का, आप 3 पीढ़ी यानी 75 साल का प्रूफ मांग रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कर्मचारी और ये, और वो जाता है बनाने, कहता है कि आपका नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग जंगल जमीन को उजाड़ना चाहते हैं, जबकि ये बात नहीं है। कानून में साफ निर्देश है 13 दिसंबर 2005 से पहले जो जोतावाद कर रहा है, लोग सबको जानते हैं कि ये पट्टा बांटने का कार्यक्रम नहीं है, ये हम लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स लोग हैं। ये सब कारणों से रिजेक्शन, इतना बड़ा रिजेक्शन हुआ। झारखंड में अभी देखेंगे तो 32,000 गाँव है, 32,000 गाँवों का अपना जंगल है, लेकिन सरकार का आंकड़ा के अनुसार हम अगर देखते हैं तो बोलते 11,000 गाँव में जंगल है। तो चलो हम कहते हैं 11,000 गाँव को सामुदायिक अधिकार दे दो, लेकिन नहीं, अभी लगभग 30% जंगल है और 89% डिपेंडेंट है फॉरेस्ट में, क्योंकि झारखंड का मतलब होता है झार मतलब जंगल, और खंड का मतलब होता है पीस, मैंने वो जंगल का एक पीस है और उसमें लोग रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि जंगल पर डिपेंडेंट 89% है। उसके बावजूद भी हिस्टोरिकल अन्याय को ख़त्म करने के लिए कानून बना, और इसके बाद भी सरकार ने जो अभी इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों को ज़मीन हज़ारों हज़ार एकड़ में दे रही है, और हम उसी पे अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उसमें हम मुझे 1 एकड़ देने में उनको बहुत सारा तकलीफ़ हो रहा है, और लगता है कि ये ज़मीन जो है सो हमारा खरीदा हुआ है, ये कोई नेचर का नहीं है। तो ये सब जो हम लोग जो देखते आ रहे हैं, उसी में एक हम आपको बता रहे हैं, बड़का गांव में NTPC जो भारत रत्न कंपनी, जिसको बोला गया कि भारत का महारत्न कंपनी है, उन लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर से, ग्राम सभा भी नहीं, चार लोग साइन किए, वो भी आप देखिए कि चारों का एक साइन है, और 17 गाँवों का मात्र 4 लोग साइन करके, वो भी क्या लिखा है कि इस जंगल में खरगोश, सियार, सांप और बिच्छू पाया जाता है। बताइए ये 4 चीज़, जब वहीं हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मांगे किस जानवर में क्या क्या जानवर पाया जाता है, तो उन्होंने 200 तरह के चिड़ियाँ और जानवर का नाम गिनाया। जब हम PIL में गए, क्यों गए PIL में, 2004 से आंदोलन करते करते लोग अभी तक डटे हुए कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि वो 3 फसला ज़मीन है, और 3 फसला ज़मीन में हम जितना आप देंगे उससे ज़्यादा, सरकार कहती है कि लैंड एक्विजिशन में कि 3 फसला ज़मीन को नहीं लेंगे। और 2004 से जब हम लोग आंदोलन किए, इतनी पुलिस पीटी, जो पुलिस बॉर्डर में रहना चाहिए वो पुलिस गांव में 9-9 बजे रात माथा फोड़ना, लड़कियों को मारना, महिलाओं के साथ ऐसा जगह मार पड़ा जो अपने घर में भी नहीं बताया, हमारा महिला टीम जब गया लेने के लिए तो वो जाके चुप्पे से इलाज कराया, और फाइनली 1 अक्टूबर को गोली चलती है, वो भी 6 बजे सुबह में, जो है सो बिना महिला पुलिस को लेके कौन फोर्स लोग जाके महिलाओं को जो धरना स्थल दे रहा था अपने ज़मीन में, उसको माथा पकड़ के घसीटते हुए आया और फायरिंग एकाएक शुरू कर दिया,
और उसमें 4 लोग अंडर एज मारे गए। तब हम लोगों ने सोचा कि इतना लाठी इतना डंटा खाए 2016 से 4 से 5 से, तो हम लोग को कोर्ट का सहारा अब लेना चाहिए। और उसके बाद 1 महीना लोग 2 महीना घर में नहीं सोया, पूरा छिप छिप के इधर उधर फोर्स मारते रहा। और हम लोग ने PIL किया, PIL में जब हमने RTI लगाया तो ऐसा ऐसा चीज़ मिला जो कंपनी पूरी तरह से वायलेशन है। 2500 एकड़ जंगल जमीन में माइनिंग शुरू किया, वो भी कोई रहती है गर्म जीवन है जंगल में। आज लोगों को ये है कि जंगल में जानवर जाता है तो उस पर केस कर दिया जाता है, जंगल में जानवर नहीं जाने जाता। आदमी का जो हम लोग संस्कृति है पूजा करना, जंगल का दतवन लाना, पत्ते लाना, उससे पूजा करते हैं, वो भी हम लोग को नहीं जाने देता और उल्टे केस कर रहा है। और बिना मुआवजा दिए सारा जंगल को तो ले लिया, जमीन भी रहती जमीन को भी ले ले रहा। ये सब जो कंपनी का, उसी तरह का भी देखिए टाटा कंपनी आ गया, अडानी आ गया, झारखंड में अभी 4 कोल माइंस और दे दिए, हिंडालको के दिए, और सारे लोग जंगल जमीन पर ही माइनिंग शुरू करने वाले हैं। और एक तरफ जनता लड़ रही है और क्या कह रही है कि ये कोल बैरिंग एक्ट लग गया 2008-09 में, इसलिए आपको आवेदन रिसीव नहीं होगा। इसको कह करके IFR और CFR का जो दावा पर पत्र है उसको भी लोग दे रहे हैं तो उसको नहीं ले रहे हैं। ये स्थिति है और सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के अधीन में है और वो पूंजीपति को अधीन में रहते हुए जनता से कोई परवाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।